नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बार की तरह हम इस बार भी कृषि में सामयिक कार्य लेकर उपस्थित हैं क्योंकि किसान जो होता है वो कभी फ्री नहीं होता है उसका काम हमेशा व्यस्तता से भरा होता है आने वाले के काम की तैयारी भी करनी होती है वर्तमान स्थिति को भी देखना पड़ता है तो कृषि में सामयिक कार्य क्या हो सकते हैं इसी विषय पर आज का हमारा ये कृषि दर्शन कार्यक्रम है हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर संजीव वर्मा कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नमस्कार, नमस्कार। सर अभी इस समय हमारे खेतों में खरीफ की फसल खड़ी हुई है हमारे किसान भाई कई करने लगे हैं क्या कृषि में सामयिक कार्य की सलाह देते हैं हमारे किसान भाइयों को देखिए इस समय हमारे जो किसान भाई हैं वो कटाई कार्य में लगे हुए हैं खास करके हमारा जो सोयाबीन की फसल है इस समय कटाई की अवस्था में है और जो जल्दी पकने वाली जो किस्में थी वो लगभग कटाई हो गई है उनकी और जो देर से पकने वाली किस्में थी उनकी कटाई का कार्य चल रहा है इस समय साथ ही साथ जो हमारी अगली फसल आती है वो है धान जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र आच्छादन धान का है हमारे प्रदेश में भी और उसके बाद हमारी मूंगफली मक्का मक्का का भी बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया मक्का में तोड़ाई का कार्य हमारे किसान भाई इस समय कर रहे हैं और उसमें साथ ही साथ भंडारण का काम ए, उसका स्टोरेज के साथ साथ उनको तो जो गहाई का कार्य करना इन ए, सब कार्यों में समय किसान भाई लगे हुए हैं जो सबसे प्रमुख बात है यहाँ पर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो लगभग जो फसलें मैंने बताई हैं ये तो उनकी कटाई की अवस्था में है ही अब जो इस समय जो रह गई है वो फसल है धान जी तो धान में एक सबसे ख़ास बात किसान भाइयों को यहाँ ध्यान देने की है कि धान की जब पकने की अवस्था होती है दुग्ध अवस्था होती है जिस तरह से हम धान और गेहूँ की खेती करते हैं जो भी किसान भाई गेहूँ की खेती करते हैं तो मिल्किंग स्टेज जो होती है दुग्ध अवस्था जो होती है उस समय पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है हालांकि बहुत जरूरी, जरूरी है जरूरी है। हालांकि इस बार अच्छी बारिश हुई है और अभी भी किसानों के खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में है कहीं जहां पर हमारे किसान भाइयों की हल्की मिट्टी है खेतों में धान जहां जहाँ लगा रखी है और उन खेतों में हल्की मिट्टी हो नमी की कमी हो तो वो हल्का सा सिंचाई मतलब लगभग एक से डेढ़ इंच पानी उस समय धान की पकने की अवस्था पे भर के हमारे खेतों में रखना चाहिए उससे हमारी जो धान का जो दाना है अच्छा जाता है और दुग्ध अवस्था में खास करके यदि ऐसा करते हैं तो दाना छोटा पतला नहीं पड़ता है जी। और उत्पादन में भी वृद्धि होती है भरपूर उत्पादन भरपूर मिलता उत्पादन है। मिलता है, मिलता जी। है। एक आ, तो ये है दूसरा हमारा जो मक्का की तोड़ाई जो किसान भाई कर रहे हैं उन्हें भी इस समय तुरंत भंडारण की व्यवस्थाएं करनी होंगी और भंडारण में सबसे प्रमुख बात होती है कि हमारे जो किसान हैं या तो बोरों में भंडारण करते हैं या हमारे परंपरागत पुराने जो भंडार गृह उनके होते होते हैं हैं घर के कमरे पुराने उनमें भंडारण करते हैं आपने बात की भंडारण की लेकिन हम बात करना चाहेंगे पहले कटाई की जी, जी कटाई बहुत जरूरी है कटाई करते वक्त हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी भी मौसम में थोड़ी सी अनिश्चितता बाकी हालांकि मानसून लगभग विदाई पे प्रदेश जी जी फिर भी थोड़ी सी अनिश्चितता है कहीं बारिश की संभावना बन जाती है अचानक से तो ये हवाओं पे निर्भर होता है तो यहाँ हमारे किसान भाइयों को जो कटाई करी गई है जिन भी फसलों चाहे मक्का हो चाहे सोयाबीन हो चाहे धान हो तो उनको ज्यादा से ज्यादा खेत में पटक के नहीं रखना है जी। खेत में पटक के रखेंगे तो वहां दो नुकसान होने की संभावना जी। एक तो मॉइस्चर आती है नमी ओस गिरती है तो उस दाने का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है गड़बड़ होती है दूसरा चूहा का प्रकोप भी होता है जी। तो हमें ज़्यादा समय तक खलिहानों में या खेतों में ज़्यादा पटक के नहीं रखना है आपने कटाई करी है तो खलिहान ले आएं खलिहानों में ले आए और उसके गहाई कार्य तुरंत तो करें और भंडारण के लिए ये जरूरी है कि हमें जो किसान भाई आमतौर पर नमी अधिक पे भी भंडारण कर देते हैं अधिक नमी पे भंडारण करने से फसलों में कीड़ों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है घुन लगने की संभावना बढ़ जाती जी। है इसलिए अब चूंकि अभी पर्याप्त खुला हुआ मौसम भी है बीच बीच में तो उनको अच्छे से फसल को अपनी को सुखा लें और दांतों के बीच में दबा के देखें जब कट की आवाज आए तो उस समय समझ जाए कि उनका दाना पक गया है प्रयोग करके उसको देख ले ऐसा करना चाहिए जी। उससे उनको भंडारण के लिए तैयार है वो जी। अब उसको भंडारण भंडारण कर सकते हैं जी आपने बात बात की, की बात की कटाई की 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 कटाई हो रही गहाई भी एक अपने एक अपने आप में महत्वपूर्ण पहलू जी है तो गहाई करते समय हमारे किसान भाई यंत्रों का उपयोग करते हैं किन बातों का ध्यान रखे की यंत्र भी अच्छे चले और गहाई भी अच्छे हो जाए देखिये यहाँ पे दो चीजें हैं एक तो जिस फसल की गहाई का कार्य कर रहे हैं उसके छन्ने वगैरह उनमें थ्रेशर में पर्या ठीक से बदल लें उनको उनका स, जो गहाई कार अच्छे से सफाई से हो दूसरा जब कृषि यंत्र खास करके थ्रेशर ट्रॉली लगातार इस समय चलते हैं और इस समय दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं तो उन्हें इस बात की भी सावधानी रखनी है कि जो थ्रेशर का खुला वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन में आप उसके ढक्कन वगैरह लगा के रखें बेल्ट वगैरह के ऊपर उसके जो टॉप होते हैं उनको लगा के रखें ताकि दुर्घटना की संभावना नहीं हो जी, जी। और गहाई मैंने जैसा कि बताया कि फसल के हिसाब से उनके छन्ने आदि बदलने यदि मक्का लगा रहे हैं तो उसकी छन्नियाँ लगेंगी सोयाबीन लगा रहे हैं तो उसकी छन्नियां लगेंगी इस तरह से उनको गहाई का कार्य करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है और आ, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज की आमतौर पर क्या होता है कि इस समय जल्दी में होते किसान भाई खेत अगले खेत की तैयारी में लगने के लिए तो वो अपनी फसल को या तो वो कई दिनों तक खलिहनों में पड़ी रहती है या फिर वो तुरंत उनको जो पुराने भंडार गृह में जाके भंडारित कर देते जी बिल्कुल उस भंडार गृह को जहाँ वो भंडारण करने वाले हैं उसका प्रदूमन करना अति आवश्यक है उसका ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है उसके लिए उन्हें क्लोरोपाइरिफास नामक जो दवा है उसका दो प्रतिशत का छिड़काव दीवालों पे कर दें इसके बाद काली वाली टारपोलिन या पॉलीथिन जो आती है उसको नीचे बिछाएं अच्छे से फिर उसमें उनका भंडारण कार तो उसमें नमी नहीं आएगी और किसी प्रकार के कीड़े आने की संभावना नहीं होगी और जब भंडार गृह को बंद करेंगे तो उसको ठीक से दरवाजे आदि को अच्छे से पेपर आदि से पैक करके भंडारित करें क्योंकि अभी एकदम से मार्केट में तो लेके आने वाले नहीं हैं बिल्कुल वो मार्केट में ले जा रहे हैं तो फिर अलग बात है मतलब जो भंडार गृह की जितने भी हमारे चाय कोठियाँ हों चाहे आपका भंडार गृह का कमरा हो या बोरियाँ हों सबको अच्छे से ट्रीटमेंट कर लें कोठियों को धूप में सुखा लें भंडारण करने के पूर्व उनमें दीमक आदि नहीं हो किसी नहीं। प्रकार के घुन आदि ना हो एक दो दिन अच्छी तेज धूप में सुखा देने से उनको काफी इसका फायदा मिलेगा आपने गहाई की बहुत अच्छी बात बता दी आपने भंडारण की बता दी जैसे जीव जंतु होते हैं चूहे सबसे ज्यादा नुकसान करते जी हैं, हैं। चूहा का किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं हमारे किसान देखिए हमारे जो खेती में जो है मित्र कीट और दुश्मन कीट दो तरह के होते हैं जी तो जो मित्रों में आ, हमारे सर्प की भी गिनती मित्रों में होती है हमारे किसानों के जो सांप है वो मित्र में आता है जी, मित्र जीव में आता है जी, जी, तो मित्र जीव और पर हाँ, तो चूहा जो है दुश्मन जीव में आता है दुश्मन जीव में आता तो चूहा बहुत समझदार प्राणी होता है और अपने जीवन काल में लगभग दस किलो तक अनाज आठ से दस किलो अनाज एक चूहा खा जाता है जी, तो यदि हमें उसका चूंकि ये सही अवस्था पे आपने प्रश्न किया इस समय हमारे किसान भाई व्यस्त होते हैं कई कई समय तक उनका खलियान में अनाज पड़ा रहता है फिर खुला पड़ा रहता है अनाज खेतों में पड़ा रहता बिल्कुल, बिल्कुल। है तो हजारों टन हमारे देश में इस तरह से चूहों से नुकसान, नुकसान होता, होता है, है। जी। तो जहाँ भी उनको जब जैसे ही अपना खेत की कटाई का कार्य चल रहा है जहाँ उनको बिल दिखते हैं तो उसमें एल्युमिनियम फास्फाइड नामक जो दवा आती है उसकी टेबलेट डाल के और उन बिलों को गीली मिट्टी से ढक देना चाहिए और या तो उनको पहले टेस्ट कर लें कि वहाँ चूहे हैं कि नहीं इसके लिए भी उपाय हैं हमें वैसे ही गीली मिट्टी उन बिलों में लगा दें यदि चूहे होंगे तो अगले दिन वो मिट्टी खुली मिलेगी उनको मतलब वो बिल का जो द्वार है वो खुला मिलेगा मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ चूहा है जी जी। अब यदि है तब हमें उन्हें जिंक फास्फाइड और एल्यूमिनियम फास्फाइड दो तरह के दवाइयाँ आती हैं तो जिंक फास्फाइड जो है हमारी आ, या तो मूंगफली दाने में तेल डाल के उसमें जिंक फास्फाइड मिला के हम वहाँ उन बिलों के पास रख तक रख सकते हैं गेहूं की घुगरी बना करके गेहूं चने की घुगरी बना करके उबाल करके उनको, उनको उनमें भी जिंक फास्फाइड नाम नाम मिला करके उनको चूहों के बिलों के पास रखना है परंतु यहाँ एक बात का विशेष ध्यान देना है चूहा बहुत समझदार प्राणी होता अच्छा। है अच्छा। आपने यदि पहले दिन रख दिया तो जो भी चूहे हैं और एक दो चूहे मर गए तो बाकी चूहे उस दवाई को नहीं खाएंगे अच्छा। तो यहाँ ये सावधानी रखना है आपको कि कम से कम दो दिन उनको निमंत्रण करना है जिसमें बगैर दवाई की घुघरी या दाने आपको बिलों के पास डालना है ताकि वो इनविटेशन उनका हो जाए लालच हो जाएगा तो उनको निमंत्रण करने के उपरांत हम तीसरे दिन ये दवाई मिलाएंगे उसमें तब रखेंगे तो आपको ज्यादा तादाद में आपको उसका लाभ मिलेगा मिलेगा तो इस बात का ध्यान हमारे किसान भाई जरूर रखेंगे कि चूहों को पहले लालच देनी है उसके बाद उन्हें दवाई देनी है और डॉक्टर साहब हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का लेते हैं एक छोटा सा अंतराल बस अभी उपस्थित हुए अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतंत्र को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन ऐसी हेल्पलाइन नंबर आरोप संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में विषय है आज का कृषि में सामयिक कार्य और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव वर्मा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कृषि में सामयिक कार्यों की भंडारण की बात हो गई चूहों की बात हो गई डॉक्टर साहब कई हमारे जो किसान भाई हैं भंडारण करते समय दवाइयों का उपयोग करते हैं ताकि कीड़े ना लगे वो दवाइयाँ कौन कौन सी हैं और क्या सावधानी हाँ, मैंने भाई जैसा कि अभी बताया कि उनको भंडार गृह को ठीक से उपचारित करना है सबसे पहले जी उपचारित करने के लिए जो हमारी क्लोरोपायरीफास नामक जो दवा है उससे स्प्रे लिक्विड में भी आती है पाउडर फॉर्म में भी आती है उसका दीवालों पे स्प्रे कोठियों में स्प्रे बोरों को भिगो के सुखा लें उनको बोरों को भिगो के उस दवाई में और उसके बाद उसमें बोरों में हमें अनाज भरना है जी। और अनाज जब भंडार गृह में भंडारित करते हैं तो नीचे आपको पटिये बिछा ले जी पटी आते हैं आजकल प्लास्टिक के रैक भी आते हैं नीचे बिछाने के जी, जी। यदि वो बिछा लेते हैं प्लास्टिक के बने हुए हुँ, हुँ। तो ब्लॉक्स आते हैं उन ब्लॉक्स को रख के उनके ऊपर भी भंडार भंडारण कर सकते हैं दो तरह का भंडारण एक तो अनाज का भंडारण और एक बीज का भंडारण जब आप बीज का भंडारण कर रहे होते हैं तो एक बोरे के ऊपर चार से पांच बोरे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए किसान भाई इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि कई बार सोचते हैं कि हम कम जगह में ज्यादा सामान रख लें तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा रख देते हैं तो चार से पांच बोरे मैंने इसलिए कहा अब जैसे सोयाबीन की हम लोग बात करें सोयाबीन का भंडार भंडारण किसान भाई कर रहे हैं तो उन, उनको एक तो जूट के बैग में करें ऑक्सीजन तो प्रक्रिया उनमें चलती रहती बीजों में अनाज जितने भी हमारा बीज है बीज में ऑक्सीजन प्रक्रिया अगले सीजन तक चलती रहती तभी वो बाइबल होती जी जी। तो उनमें आपको चार से पाँच छलियों से ऊपर नहीं रखना है क्योंकि जैसे जैसे आप पर छलियाँ रखते जाएंगे तो नीचे के जो बैग हैं उनके जो दबेंगे और उनका जो आ, कहना चाहिए सीड कोट है वो टूट जाता है जी जी और सोयाबीन में जिस भी आ, बीज का सीड कोट टूट जाता है तो वो बीज अंकुरित नहीं होता है जी ये नियम है जी। मतलब यदि सोयाबीन के बैग को पाँच छह बार तेजी से पटक दिया और अच्छा सूखा हुआ बीज है तो जितने बीजों का सीड कोट टूट गया कहीं से बीस बीस तक टूट जाता है पंद्रह बीस तक तो वो बीज अंकुरित नहीं होंगे ये आपने बीज वाले बैग के लिए हाँ, बता दिया और, और अगर भंडार के, लिए लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आप कितना ही रख सकते हैं जितनी जी जी आपकी जी स्पेस है उसके हिसाब से स्टैग जो बनते हैं जी जी तो उसको रख सकते हैं उसको दूसरा मैं वहां पर एक चीज और बताना भूल गया था आपको कि जब वो चूहा नियंत्रण उपाय की बात हम करते हैं तो मैंने बताया था कि सांप मित्र है और चूहा जो है दुश्मन है तो आप जहाँ भी जो बिल होते हैं वहां पर खजूर का जो टान होती है खजूर की टान सांप के फन की तरह होती दिखती है, जी, दिखती जी, है। जी, तो आप उन बिलों के पास यदि खजूर की टाने लगा देंगे तो भी चूहा बाहर नहीं आएगा जी, क्योंकि वो सोचेगा कि वहाँ सांप बैठा हुआ जी, है। जी, जी, बाहर उसका इंतजार कर रहा जी, है जी, जी, तो ये भी एक अच्छा उपाय है जैविक उपाय उपाय है जी जी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी डॉक्टर साहब हमने ये बात करी सारी खरीफ की फसल की जो अब हमें करना है हमें आगे के काम की भी तैयारी करनी है रबी की भी फसल की तैयारियां करनी है तो किसान भाई रबी की फसल की तैयारियों में किन बातों का ध्यान रखें इसके बारे में चाहें देखिए सबसे प्रमुख बात आती है आदानों की खरीद की। जी हमें रबी के आदान खरीदने चाहिए इस समय तो उसमें कुछ सावधानियाँ रखना है हमें जो भी आप बीज ले रहे हैं चाहे वो फाउंडेशन हो सर्टिफाइड हो ब्रीडर हो उनके टैगों की जाँच कर लें उनकी कब भरे गए थे उनकी डेट क्या है किस्म कौन सी है जी जी वो समितियों से ले रहे हैं तो इसके अलावा आप वहाँ ओपन कंपनियों के बीच भी, भी ले रहे हैं तो उनमें भी उनकी प्रतिशत वगैरह सब चीजों की जांच कर लें बिल जरूर बिल, बिल जरूर रखें सभी चीजों के आदानों के इसके अलावा जो आदान हमें अगली फसल में और उपयोग करने वाले बीज उपचार के आदान हैं उनमें डेट ऑफ एक्सपायरी देख लें बिल्कुल खाद और खास करके डी और यूरिया खरीद हमारे किसान भाई करते हैं तो डी जब खरीदने जा रहे हैं आप तो एक बात का विशेष ध्यान रखें जब भी आप दुकान पर डी खरीदते हैं दो चार छः आठ दाने अपने जूतों से मसल के देख लें और यदि वो मसल के राख हो जाते हैं तो मतलब वो खाद नकली हो सकती है, जी, है ना जी। जो असली होगी तो वो आपके उससे मसलाएगी नहीं वो राख नहीं बनेगी तो एक ये साधारण पहचान है इसी तरह से जब यूरिया ख़रीदने जा रहे हैं दो तो चार छः आठ दाने ले आएँ और उसको नीचे मोमबत्ती या कुछ से थोड़ी सी आगे कटोरी में रख के दिखाएँ तो वो घुल जाएगी आसानी से घुल गई तो मतलब वो ओरिजिनल है लगभग ठीक है है ना और डी को एक और पहचान है कि हम डीएपी के कुछ दाने अपने हाथ में ले लें और थोड़ा सा आप जो है उसमें चूने का पानी डाल के उसको घिसेंगे और सूंघेंगे अमोनिया की गंध आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये असली है।, है या नकली है जी, जी जी तो इन छोटी छोटी बातों का चूंकि ये सबसे महंगे खाद होते हैं यूरिया डीएपी की हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है और तो महंगे भी होते हैं तो इनको जांच लेना जरूरी है कि हम जब आदान खरीदने जा रहे हैं तो उनको ठीक से जांच लें कि वो सही है या गलत है बहुत अच्छे प्रयोग आपने बताए हैं छोटे छोटे प्रयोग है जिनका ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अच्छी खरीदी कर सकते हैं अपने कृषि आदानों की डॉक्टर साहब उद्यानिकी में भी बहुत कृषि सामयिक कार्य होते हैं तो नर्सरी की भी तैयारियां होती है नर्सरी की तैयारी करने वाले हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं देखिए उद्यानिकी में खास करके हमारी जो अगली फसल आ, आने वाली हमारे सब्जियों की उसके लिए रोपे तैयार हमारे किसान भाई इस समय कर लें क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है ठंड की उनको बैगन टमाटर मिर्ची या अन्य जो फसलें लगानी हैं गोभी भरगी सब्जियाँ लगानी हैं तो उनके रोपे बैड अच्छे से निराई गुडाई करके बैड में लगभग दो तिहाई एक तिहाई भाग जो है हमें देसी खाद डालना है और उसमें उगाएं जमीन से उठी हुई उगा उगानी चाहिए और उनमें रोपनी तैयार करके अपन अभी इस समय रोपनी डालेंगे तो आपको अगली जो फसल है एक महीने बाद पच्चीस दिन बाद आपको लगाने को मिल जाएगी बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी आपने डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को दी कि कृषि में सामयिक कार्य कौन कौन से हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद किसान भाइयों अभी आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी सुनी लेकिन कार्यक्रम में अभी वक्त है खबरें खेती सुनने का तो आइए जानते खबरें खेती की नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर बड़ी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उपलोक सेवा केंद्र कृषि उत्पादन आयुक्त ने ली जैविक खेती की जानकारी गेहूं की दो नई किस्में जारी ब्रोकली का उत्पादन और असिचित गेहूं का उत्पादन और अब खबरें विस्तार से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं के व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा इसके तहत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा आने वाले एक साल में 5000 हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे नागरिकों किसानों को उनके द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों को खजरा की प्रति सिर्फ दस रुपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध कराई जाएगी ये सेवा एक सौ जन सेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री जन कल्याण और सुराज अभियान के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से सात नए पोर्टल और आठ लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए उन्होंने कहा कि जैसे आय निवास प्रमाण पत्र खसरा भू अभिलेख छात्रवृत्ति पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय लाए चैट बोर्ड के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदाय की जाएगी साथ ही एक से पंद्रह नवम्बर तक राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह ने गत दिनों इंदौर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जैविक खेती का अवलोकन एवं कृषकों से संवाद भी किया इस दौरान श्री सिंह ने बिचौली मरदाना स्थित जैविक सेतु ग्राम उमरिया खुर्द में जैविक खेती एवं ग्राम मोरोद हाट पर तोमर एग्रो टूरिज्म एवं जैविक कृषि फॉर्म गिर गौशाला तालाब भ्रमण एवं कृषकों द्वारा उत्पादित दाले अनाज मसाले तेल एवं अन्य खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया उन्होंने जैविक कृषि प्रक्षेत्र में लगी विभिन्न फसलों की स्थिति पर संतोष व्यक्त कर इसकी सराहना की कृषि उत्पादन आयुक्त ने पंद्रह गांव से आए जैविक किसानों से भी संवाद किया और किसानों को उत्पादन प्रमाणीकरण और विपणन में आ रही समस्याओं का निराकरण किया बाद में अधिकारियों के साथ जैविक खेती और व्यापार को लेकर किसानों और व्यापारियों से चर्चा भी की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा गेहूं के अनुसंधान केंद्र इंदौर द्वारा विकसित की गई गेहूं की दो नई प्रजातियां एच हाँ आई आठ आठ दो तीन और एच हाँ आई एक तीन छह को हाल ही में जारी किया गया है दोनों किस्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये दोनों किस्में अलग वर्ष किसानों को उपलब्ध होगी गेहूं की इन दो नई प्रजातियों के बारे में गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर के वैज्ञानिक श्री ए के सिंह ने बताया कि एच आई आठ आठ दो तीन मालवी गेहूं की अल्पसंचित सिंचाई की नई प्रजाति है अपने बौने कद की वजह से ये प्रजाति दो से तीन सिंचाई में पक जाती है सर्दियों में मावठा पड़ने पर ये अतिरिक्त पानी का फायदा उठा लेती है और जमीन पर गिरने से बच जाती है जल्दी बुआई के लिए ये किस्म उपयुक्त है इसकी परिपक्वता अवधि 105 से 138 दिन है ये 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टर का उत्पादन देती है जबकि दूसरी किस्म एच आई एक छः तीन छः अधिक पाने वाली किस्म है जिसकी सर्दी आने पर ही बुआई करनी चाहिए इसे जल्दी नहीं बोना चाहिए इसकी बुआई 7 नवंबर से 25 नवंबर के बीच करनी चाहिए इस किस्म में चार से पाँच सिंचाई लगती है ये किस्म एक दिन में पकती है जिसकी बीच मात्रा एक क्विंटल प्रति हेक्टेयर है छोटे कद की ये प्रजाति भी जमीन पर नहीं गिरती है इसका उत्पादन साठ से पैंसठ क्विंटल प्रति हेक्टेयर है ब्रोकली विदेशी सब्जी है जिसका उपयोग सलाद और सूप के लिए किया जाता है वर्तमान में इसकी काश्त हमारे देश में भी होने लगी है ब्रोकली हरी सफ़ेद तथा बैंगनी होती है इसमें से हरी ब्रोकली ज्यादा प्रचलित है इसकी अगेती मध्यम तथा देरी से लगने वाले किस्म जैसे डी ग्रीन बर्ड, स्पोर्टन अर्ली ग्रीन स्पाउटिंग तथा लेट स्प्राउटिंग इत्यादि लगाई जा सकती है ब्रोकली की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त है जिसमें अच्छा जीवाश्म हो, लगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर से नवंबर है नर्सरी अक्टूबर में लगाकर पौध तैयार करें। एक हेक्टर क्षेत्र के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है क्यारियों में 45 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 30 सेंटीमीटर पौध से पौध अंतर रखें यूरिया 260 किलो 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 130 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डाले रोपाई के 70 से 75 दिन बाद से कटाई शुरू की जा सकती है फूल बनने के पहले तक ही कटाई करनी चाहिए असिंचित क्षेत्र में गेहूं का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है भूमि की नमी संरक्षित करके मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए पाटा चलाए असिंचित क्षेत्र में 15 से इकतीस अक्टूबर तक बोनी कर सकती हैं दीमक के नियंत्रण के लिए 5 मिली क्लोरोपाइरिफॉस दवा से प्रति किलो बीज उपचारित करें इसके बाद थायरम या कार्बेडाजिम की तीन ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज का उपचार करें इसके बाद फफूंदनाशक दवा से उपचारित करने के बाद गेहूं को एजेटोबैक्टर एवं पी एस बी कल्चर से 10 ग्राम प्रति बीज उपचारित करने के बाद बोनी करें किसान भाई 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोनी करें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है असंचोत क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन लेने वाले किसान भाई चालीस किलोग्राम नतृजन 20 किलोग्राम फूर एवं 10 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है ये भूरी मात्रा बोनी के साथ ही उपयोग करें उन्नत किस्मों के लिए एच डब्लू दो शून्य शून्य चार जे डब्लू सत्रह एच आई एक पाँच शून्य शून्य अथवा एच डी चार छः सात दो का चयन किया जा सकता है तो किसान भाइयों आज की खबरें खेती में इतना ही दीजिए अनुमति नमस्कार तो किसान भाइयों अभी आपने सुनी खबरें खेती की आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने जानकारी हासिल की कृषि में समय कार्य के बारे में खरीफ की क्या हमें काम करने हैं और रबी के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी यही हम उम्मीद करते हैं मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार, नमस्कार।